गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड एम आई मॉर्निंग ऑडिबल सर. एंड विजिबल बॉट? यस सर. ओके. लास्ट क्लास में हमने साइन और कॉस का ग्राफ बना लिया, याद है सभी को? साइन और कॉस. नाउ वी हैव टू प्लॉट ग्राफ ऑफ टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स. तो मैं टेन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं सबसे पहले. y equals to 10x करना. y axis. Point of intersection. 10x डिफाइन किन प्लेसेस पर, किन पॉइंट्स पर नहीं होता, किन पॉइंट्स पर डिफाइन है? पाई बाई टू पर है ना. 10 पाई बाई टू क्या होता है? नॉट डिफाइन. पाई पर तो डिफाइन होता है, 3 पाई बाई टू है ना. तो ये पॉइंट है पाई बाई टू, पाई थ्री पाई बाई टू, टू पाई फाइव पाई माइनस पाई बाई टू माइनस पाई और माइनस थ्री पाई है ना. चाहे तो हम और भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये लाइन क्यों ड्रॉ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर 10x डिफाइन नहीं होता और कर्व हम जब ड्रॉ करें तो ऐसा ना हो कि वो इन लाइंस को इंटरसेक्ट. 10 जीरो पर वैल्यू कितनी होती है? अब y एक्सिस पर भी ये पाई बाई टू, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे माइनस 1, माइनस 2, राइट. देखेंगे ये 0 और 90 डिग्री के बीच में, पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री के बीच में क्या आता है? 45 डिग्री. 10 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है? 10 45 डिग्री पर है ना, 45 पर, 45 पर 60, 60 पर 1.73, 10 30, 10 30 क्या होता है बेटा? 1/√3. 10 30 डिग्री 1/√3, रेशनलाइज किया तो √3/3, 0.577, ठीक है. उसके बाद हम बात करें -45 पर माइनस, -30 पर -0.5, -60 पर ठीक है. तो अब फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं, ये इनफाइनाइट टेंडिंग टू इंफिनिटी या टच नहीं करेगी इंटरसेक्ट में, वो माइनस. फिर बिल्कुल अब सेम कर्व रिपीट हो जाए, सेम ग्राफ रिपीट. समझ में आया क्या ग्राफ सभी को? किसका ग्राफ है? y equals to 10x. क्लियर है ग्राफ y equals to 10x?
ये पॉइंट माइनस 3π/8 दिख रहा है सभी को क्लियरली ग्राफ y इक्वल्स टू 10x का। ओके है ना, तो ड्रॉ करेंगे टेन एक्स के ग्राफ में। आप देखिए टेन एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, माइनस इंफिनिटी टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक हो सकती है, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो अगर मैं कहीं लिखता हूं टेन एक्स इक्वल्स टू 5, इज इट ट्रू और फॉल्स, टेन एक्स इक्वल टू 50,000, 10x equals to 50,000. Is it true or false? True. है ना, क्योंकि 10x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब 10x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, राइट? ओके, हाँ, साइन एक्स की वैल्यू 50,000, इज इट ट्रू और फॉल्स, साइन एक्स इक्वल्स टू 50,000, फॉल्स, बिकॉज साइन एक्स हमने लास्ट क्लास में ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ माइनस वन टू प्लस वन में लाइक है। ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स लाइज फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन, ठीक है? सो साइन एक्स इक्वल्स टू 50,000 इज फॉल्स। क्लियर, सभी को क्लियर हो गया? नाउ ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ग्राफ, वाई इक्वल्स टू कॉटेक्स। नेक्स्ट ग्राफ बना रहे हैं हम वाई इक्वल्स टू कॉटेक्स। हाँ बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल्स टू कॉर्टेक्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कॉर्टेक्स कहाँ डिफाइन नहीं होता y एक्सिस। हाँ, cot क्या होता है? cos upon sin, है ना? cos upon sin, sin की वैल्यू जीरो कहाँ आती है? जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, पाई के सभी मल्टीपल्स पर। और cot क्या होगा? वहां पर डिफाइन नहीं होगा, जीरो पर, पाई पर, ये जीरो तो है ही, ये बीच में पाई बाई टू है, ये पाई, पाई पर डिफाइन नहीं होगा। माइनस पाई बाय टू माइनस 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 3π/2 माइनस 2 ठीक है। ये तो लाइन हमने ड्रॉ की जहां पर कॉट डिफाइन नहीं होता, जीरो पर भी डिफाइन नहीं होता है, ठीक है? हाँ, कॉट 45 1 2 3 माइनस वन माइनस टू कॉट 45 ठीक है, कॉट 60 45 के बाद 60 कॉट 60 रूट 3 कॉट 60 वन कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3 कॉट 30 ये 45 के पहले 30 पर रूट 3 1.7 ऐसे यहां पर नेगेटिव हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कॉट 135 माइनस 120 पर माइनस 0.5 150
देखिए ड्रॉ करें, सेम कर जैसा ई कर्व आया है, रिपीट होता है। सेम कर्व यहां भी रिपीट होता है। समझ में आएगा, इसका ग्राफ है y equals to cortex, ये कर्व किनको रिप्रेजेंट करती है, y equals to cortex को, कर्व किनको रिप्रेजेंट करती है बेटा, y equals to, ग्राफ समझ में आया, cortex की वैल्यू भी कहां से कहां तक लाई कर रही है, cortex की वैल्यू ठीक माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू cortex की वैल्यू भी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी में बिलोंग करती है। cortex की वैल्यू भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो अभी तक हमने देखा sin x और cos x माइनस वन टू प्लस वन लाई करते हैं, tan x और cot x कोई भी रियल नंबर। बात समझ में आई क्या सभी को? ग्राफ प्लॉट करेंगे, नेक्स्ट हमें ग्राफ प्लॉट करना है sec x और cos x। अब हम ग्राफ करेंगे, प्लॉट करेंगे y equals to x। y axis plus infinity minus infinity, ये पाई बाय टू पाई डी पाई बाय टू टू पाई 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 बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस ठीक है, वैसे तो और भी माइनस फाइव पाई बाय टू राइट, कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं होता, किन एंगल्स पर सेक डिफाइन नहीं होता, वन बाय कॉस जहां पर कॉस डिफाइन नहीं होता, यहां पर कॉस जीरो होता और टेन में भी साइन अपॉन कॉस होता है, तो सेम टेन और सेक दोनों सेम एंगल्स पर डिफाइन नहीं होते क्योंकि उनके डिनोमिनेटर में कॉस आता है और कॉस यहां जीरो नाइन। यस ठीक है, अब ये है यहां पर माइनस वन और ये है
ठीक है बेटा, माइनस वन ठीक है। अब सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस। कॉस का ग्राफ तो सबको आता है, कॉस का ग्राफ बना सकते हैं हम, वो माइनस वन से प्लस वन में लाई करता है कॉस का ग्राफ। कॉस जीरो पर क्या होता है, कॉस जीरो पर क्या होता है ग्राफ, तो कॉस का ग्राफ कैसा जाएगा यहां पर देखेंगे ध्यान से। कॉस का ग्राफ, कॉस का प्लॉट तो करना नहीं है, तो ये अपना फाइनल कर्व नहीं, हम तो क्या किसका करना चाहते हैं सेट, ये तो ये कॉस का है, ये हमें प्लॉट नहीं करना। लेकिन ये क्यों प्लॉट किया, क्योंकि जैसे माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू जो कॉस का ग्राफ है बिल्कुल वैसा का वैसे यहां, लेकिन समझ में आया ये सेट का बने, तो ये किस इंटरवल में ऐसा रिवर्ट बनेगा वो पता करने के लिए हमने कॉस का ग्राफ अपनी कर ली है सेकंड। फिर इधर इधर समझ में आ रहा सभी को, समझ में आ गया सबको ये किसका ग्राफ है, y equals to x। जो ब्लू कलर से जो कर्व ड्रॉ किए इट रिप्रेजेंट y equals to sec x। हाँ तो sec x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती बताएगा कोई, sec x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से लेके माइनस वन तक है ना, sec x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन तक, ये लिख दिया sec x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस, माइनस वन से लेस होता है ग्राफ, कभी भी माइनस वन और प्लस वन के बीच में नहीं है। और दूसरा केस sec x, देखें यहां वन से ग्रेटर, sec x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बात समझ में आ गई क्या, sec x की वैल्यू माइनस वन या उससे लेस होती है या फिर वन या उससे ग्रेटर, माइनस वन और प्लस वन के बीच में sec x की वैल्यू लाई नहीं करती। sec x की वैल्यू किसी ने बोला वन बाई टू, बताओ ट्रू फॉल्स, which is true, which is false, sec x equals to 1 by 2, false, क्यों है false, minus 1 और plus 1 के बीच में sec x की कोई भी value नहीं, sec x 3.5, true, क्योंकि 1 से greater में 3.5 बचाए, ठीक है false, सबको समझ में आया, graph plot करेंगे, अब हमें y equals to π/2 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 π/2
यूज पर साइन जीरो, डिनोमिनेटर जीरो, वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स जीरो होगा, जीरो का होता साइन एक्स, ऑल मल्टीपल्स ऑफ जीरो पर पाई पर टू पाई पर
थ्री पाई अपन ये माइनस वन प्लस अब हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। साइन एक्स से जिस इंटरवल में साइन एक्स का कर्व आएगा उसी इंटरवल में रिवर्ट कर्व आएगा वन बाय कॉस एक्स, वन बाय साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स। राइट, ड्रॉ करते हैं हम कॉस एक्स। समझ में आ गया क्या? दिस इज द कर्व ऑफ y इक्वल्स टू cos x। तो cos x की वैल्यूज भी बिल्कुल माइनस वन से लेस और इक्वल होती है और वन से ग्रेटर और। सबको समझ में आ गया क्या? अब हम कुछ बेसिक फंक्शंस को और डिस्कस करते हैं, जो उनके ग्राफ भी देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लास्ट क्लास में मॉडुलस एक्सप्लेन किया था, है ना? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सिंबल होता है क्लोज्ड ब्रैकेट अंदर, तो एफ एक्स इक्वल्स या वाई इक्वल्स टू एक की बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके अंदर एक्स अंदर कोई भी नंबर लिखा, ठीक है? ठीक है, दिख पा रहा है? लाइट डार्क कर देता हूँ, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, लेस और इक्वल इंटीजर, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब क्या होता है? लेस और इक्वल इंटीजर टू एक्स, एक्स से के इक्वल इंटीजर हो या उससे लेस इंटीजर। जैसे एग्जांपल 5.6 खुद एक इंटीजर नहीं है, 5.6 इज नॉट एन इंटीजर, इज नॉट एन इंटीजर, तो उससे छोटा इंटीजर, जस्ट स्मॉलर इंटीजर 5, राइट? 2.992, कोई डाउट नहीं कि भाई 99 है तो 3 लिख, लेस इंटीजर ही लिखना 2.9। और अगर कहीं इंटीजर ही आ गया 7, तो 7 का 7 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। माइनस 3 इंटीजर है तो माइनस 3 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। माइनस 3.5 बताएंगे, माइनस 3.5 आपने 4 लिखा है, किसी ने 4 तो कैसे आएगा बेटा, माइनस का प्लस कैसे हो जाएगा, माइनस 4। हाँ, अब सही बताया कुछ लोगों ने, माइनस 4, माइनस 3.5 से लेस इंटीजर माइनस 3 नहीं होता, माइनस 3 तो ग्रेटर होता, माइनस 4, माइनस 3.5 से लेस इंटीजर। I
E I minus E. पता है इन तीनों के आंसर में पाई 3 है ना, पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.14, तो आंसर आ जाएगा 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। माइनस ई, ई की वैल्यू मालूम है क्या? ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.718, नहीं मालूम है तो याद रखो 2.718, एक और लिख दिया 2.718 माइनस 2.718 हो गया, माइनस ई माइनस 2.718 माइनस 3, माइनस साइन 60 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस साइन 60 डिग्री ग्रेटेस्ट इंटीजर, कुछ लोग बता चुके हैं साइन। माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री रूट 3/2, तो माइनस रूट 3/2, रूट 3/2, रूट 3 की वैल्यू 1.732 बाय 2, 0.866 माइनस 0.866 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1। हाँ क्लियर, माइनस 0.866 से लेस इंटीजर माइनस 1, यस। रूट 6, रूट 6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 और 3 के बीच में, 2. क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 6 है उसके अंदर, आंसर इज 2। बात समझ में आ गई क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको समझ में आ गया क्या? लेस और इक्वल इंटीजर, लेस और इक्वल इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट? ओके, now we have to plot the graph of greatest integer function, we have to plot the graph of greatest integer function. to note kar liya ke sabhi ne ye note kar liya to main graph plot karta hu kar liya note theek hai hai na to draw kare graph कर रहे हैं सभी ड्रॉ है ना, x एक्सिस ड्रॉ किया, y एक्सिस ड्रॉ किया, 0 और 1 के बीच, 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 1 पर 1, तो 1 पर 1, तो यहां 1 पर ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, 1 पर ये वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन है, फिर 1 से 1.99 तक 1 ही रहेगा और 2/2, फिर 2 से 2.99 तक 2 रहा और 3 पर 3 हो गया, 3 से 3.99 तक 3i वैल्यू और 4 पर, ऐसा ही यहाँ माइनस 1 पर 1, माइनस 0 और माइनस 1 के बीच में माइनस, माइनस 1 और माइनस 2 के बीच में माइनस, माइनस 2 और माइनस 3 के बीच में माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 3 के बीच में माइनस। ग्राफ समझ में आया कि सबको? ओके, ड्रॉ कर लें। ओके ओके ठीक है, सभी का हो गया।
अब हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बना, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं हम, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है बच्चों, क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? ये कर्ली ब्रैकेट, एक्स कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट, कर्ली ब्रैकेट इसका मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझते हो, इंटीजर नहीं होता, जीरो से वन के बीच में ही। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 3.5, तो पॉइंट थ्री इंटीजर है और 0.5 क्या है, फ्रैक्शन। 3.9, तो थ्री इंटीजर है और 0.9 क्या है, फ्रैक्शन। यस सर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जीरो भी आ सकता है इसका आंसर, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जीरो भी आ सकती है ना, जैसे 3.0, तो इसमें इंटीजर 3 है और फ्रैक्शन 0, 3 इंटीजर और 0 फ्रैक्शन, तो केवल 0 और 1 के बीच में ही रहता, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, जैसे आप बताओ किसका आएगा 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट, बताओ 3.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। जैसे वहां पर आपने 3.0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 लिखा था, 0.0, तो सर अगर मतलब चलो 0, तो सर अगर 3 लिखा होता तो भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट सर 3 आता है, 3 लिखा है तो 3 का मतलब ही 3.0, 3 और 3.0 में कोई डिफरेंस थोड़ी है। एवरी इंटीजर, हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0, एवरी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, राइट? 2.9 क्या आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, 2.9, वेरी गुड। हाँ आप सोच के बताना, जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी रखा जाए, जो आउटपुट आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। फ्रैक्शनल अंदर x कोई भी रियल नंबर रख दो, लेकिन जो आउटपुट आने वाला है वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। -1.2 आएगा, 0.2 गलत है। सुनो इसमें से रिजल्ट नेगेटिव तो आ नहीं सकता, ये जो -1.2 लिखा है इसमें पूरा जो -1 और -0.2 ये दोनों नेगेटिव, -1 और -0.2 को ऐड करके -1.2, अब मैं माइनस का 0.2 तो लिख ही नहीं सकता, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलग करना है। तो देखो मैं कैसे अलग करूं, माइनस का 2 और प्लस का 0.8, -2 प्लस 0.8, -2 में से प्लस 0.8 जाएगा, -1.2 आएगा, तो ये इंटीग्रल पार्ट अलग कर दो तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचा, 0.8। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ इंटीग्रल पार्ट अलग करने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट जो बचेगा, अब आ रही? यस सर, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट अलग, जैसे -1.2 को क्या लिखेंगे, -2 प्लस 0.8 तो हो जाएगा -1.2, तो -2 इंटीग्रल पार्ट है उसको लीव कर दें, क्या बचेगा केवल 0.8 क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। समझ में आया क्या सबको? यस सर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब हमेशा 0 और 1 के बीच, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, 0 और 1 के बीच, राइट?
समझ में आया? नोट कर लिया क्या? नाउ वी हैव टू प्लॉट. अच्छा नोट कर रहे हैं मोहन मोशिन खान. कहाँ नोट कर रहे हैं बेटा? Completed. Done, sir. Okay. Fractional part. Y equals to. हाँ तो देखो y एक्सिस पर ज्यादा नीचे जाने की जरूरत ही नहीं. नेगेटिव तो आएगी जीरो और वन के बीच में ही आना. और वन भी वैसे इंक्लूड नहीं है. वन भी कहाँ इंक्लूड है? वन टू थ्री फोर. देखिए जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, पॉइंट वन का पॉइंट वन, पॉइंट टू का पॉइंट टू, पॉइंट नाइन का पॉइंट नाइन. ठीक है. और वन का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, टू का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, थ्री का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, फोर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो. ये ग्राफ में पॉइंट है वन टू थ्री फोर जो डार्क की है वो ग्राफ के पॉइंट. हर इंटीजर पर क्या आएगा? एवरी इंटीजर पर माइनस थ्री का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है जी? तो ये जो डार्क पॉइंट किए वो ग्राफ के पार्ट. अब 1.1 पर पॉइंट वन बिल्कुल ऐसी लाइन आ जाए, पैरेलल लाइन आ जाए. समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है बच्चों. ये माइनस वन वाली एक बार बता दीजिए सर. माइनस वन वाला क्या? हाँ बोलो क्या बताओ. माइनस वन वाला पर इसको कैसे मतलब अपन ने प्लॉट किया सर थोड़ा? माइनस वन का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस वन. ठीक है. माइनस पॉइंट फोर का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट सिक्स. यस सर समझ गया. माइनस पॉइंट थ्री का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट सेवन. तो माइनस पॉइंट थ्री आएगा उसका पॉइंट सेवन. माइनस पॉइंट फाइव का पॉइंट फाइव. माइनस पॉइंट नाइन का पॉइंट वन. समझ में आया? यस सर क्लियर है. ड्रॉ कर लें.
देखेंगे, रफ कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4 प्लस 1/200 प्लस 1/4 प्लस 1/100 1/4 प्लस 3/200 ऐसे जा रहे हैं। कर सकते हो? ट्राई करेंगे सभी, मैं बता रहा हूं वो ध्यान से। हाँ, 1/4 मतलब 0.25, और 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है, 1 होता तो 1 आ जाता, 0.25 ये 0, पहली टर्म की वैल्यू 0, राइट। अब भरत आंसर नहीं करना है, ध्यान से देखना है ना, और रॉन्ग भी बताया साथ में आपने। अब हमें क्या देखना है, टोटल टर्म देखने कितने टर्म लिखे होंगे प्लस, तो 1/4 और ये 1/200, ये 1/100 मतलब 2/200 कैंसिल करके 3/200 199/200, तो 1 से लेके 199 टर्म तो ये होगा और ये एक टर्म, टोटल 200 टर्म्स है। क्वेश्चन में कितनी टर्म है, 200 टर्म्स है एक्सप्रेशन में, 200 टर्म्स, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0। अब 1 कब आएगा, जब 1/4 में कुछ ऐड होके टोटल रिजल्ट 1 बन जाएगा तो 1 आ जाएगा। हाँ, तो 1/4 में क्या ऐड करेंगी, 1 आ जाए, 3/4, 3/4 डिनोमिनेटर में 200 रखना है, तो 3/4 कैसे आएगा, 53 150 by 200 150 by, तो 1 से स्टार्ट किया, 1/200 मतलब, और 1/4 उसमें ऐड होगा तो 1 नहीं बनेगा, 0 आएगा, तो 150 पे, जो 150 पे जो कौन सी टर्म आएगी, 150 पे 150th टर्म आएगी, है ना, नहीं 0 फिर 1 से लेकर 149 तक, ये कितनी टर्म हो गई, 149, ये 0 हो गई 149 टर्म्स पे, क्यों, क्योंकि 150 पर 1 बनेगा। अब 150 ये टोटल एक पहली टर्म 0 हो गई और ये 149 टर्म भी 0 हो गई। अब 150 पे कितना आया, 150 by 200 कितना हो गया, 3/4 और 1/4 मिलके 1। अब उसके आगे 151 से 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 199 तक 1 ही रहेगा, क्यों रहेगा 199 तक, क्योंकि 199 तक 1 इसलिए रहेगा क्योंकि 200 by 200 हो जाएगा जब, तब 1 होगा ये, और 1 प्लस 1/4 1.25 तो 1 और 2 के बीच में ही रहने वाला है सारी टर्म तक, तो कितनी टर्म हो गई थी 150 और ये टर्म कितनी बची, 50 टर्म। समझ में आया, ये 150 जीरोस आ गए और 51 आ गए, 1150 टाइम्स, ये समझ में आया कि सबको, सभी को क्लियर हुआ, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। यस सर,
ठीक है बच्चों, अब क्लियर है, आवाज आ रहा है? ओके, देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4, 1/100, 1/50, साक्षात का सही है, जयेश का सही है। देखो 3/4.750 टर्म कितनी है, 100 टर्म है, ये टोटल 100 टर्म है, 0, 1/100, 2/100, 3/100 है ना, 100 टर्म है। तो फर्स्ट जीरो, ये भी जीरो, कब तक, जब 1/4 मतलब 25/100 पे तो 1 हो जाएगा, 24/100 25/100 पे कितना हो जाएगा, 1/4 और 3/4 1 आ गया। अब 25 से 99 तक 75 टर्म, कितनी टर्म है, 75। तो 75 समझ में आया, बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, देखेंगे। अब हम कुछ और फंक्शंस की ग्राफ देखते हैं। हाँ, कुछ और स्टैंडर्ड ग्राफ देखते हैं। मॉड्यूलस का ग्राफ मैंने बता ही दिया। अब अगर हमें किसी फंक्शन fx का ग्राफ गिवन और हमें उससे fx मॉड का ग्राफ बना, ग्राफ हमें आता है पहले से, और मॉड ऑफ एफ एक्स बनाना। मॉड ऑफ एफ एक्स मतलब नेगेटिव पोर्शन हटाई, नेगेटिव कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के नीचे जितना होता है वाई पोर्शन नेगेटिव होता है, तो उसको डिलीट कर दो, और मॉड ऑफ एफ एक्स उस पार्ट को डिलीट कर देंगे अपन, और उसकी मिरर इमेज ऊपर बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, मॉड एक्स का ग्राफ सबको आता है, तो मैं तो वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ दे देता हूं, वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, इसको ही देख देख क्या वाई इक्वल टू मॉड एक्स का, तो आता तो है ही सभी को ऐसा बन। तो जो नेगेटिव पार्ट है इस वाई इक्वल्स टू एक्स का, जो नेगेटिव पार्ट, इसको डिलीट कर दो, कर दिया डिलीट, हटा दो। अब जो डिलीट किया है उसी की मिरर इमेज ऊपर, मिरर इमेज मतलब प्लेन मिरर, मान लो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जैसा बने, समझ में आया क्या, हटा दो इसको, डिलीटेड पार्ट, समझ में आया कैसे बनाना है। एफ एक्स का ग्राफ गिवन हो तो मॉड ऑफ एफ एक्स कैसे बने, राइट, क्लियर हुआ क्या सभी को? अब मैं एक दो ग्राफ, ठीक है, समझ में आया, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना, तो 0 से 2 पाए में, तो
साइन कर रहा। ये ग्राफ है साइन एक्स, हम जो नेगेटिव पार्ट उसको डिलीट कर देंगे और जो डिलीटेड पार्ट है उसी की मेरा इमेज इधर बन। समझ में आया ग्राफ? हटा दो ये ग्राफ बन गया है मॉड ऑफ साइन एक्स का। बस समझ में आ गई क्या? जयेश फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है? ठीक है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, पहले तो साइन एक्स की कर्व बना लो और जो नेगेटिव पार्ट था वो डिलीट करके उसका पॉजिटिव मिरर इमेज बना लो। मॉड टेन एक्स का माइनस फाइव एट बनाना पाए तक ही इसलिए इतना ही ड्रॉ। तो पहले तो टेन एक्स का बना दे, फिर आना तो यहां से था ना ऐसा जन हाँ बेटा ये समझ में आया किसका ग्राफ बनाया मैंने? माइनस पाई से प्लस पाई में टेन एक्स का, टेन एक्स का ग्राफ बना हूं माइनस पाई से प्लस पाई, पूरा साइकिल जाना था लेकिन अपना इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई। अब मोड ऑफ टेन एक्स बनाना है तो एक्स एक्सिस के नीचे कौन कौन से पार्ट डिलीट हों और इसकी मिरर इमेज बनी, ये मिरर इमेज, फिर ये वाला भी डिलीट होगा। समझ में आया क्या? तो ग्राफ फाइनल ग्राफ मोड ऑफ टेन एक्स का माइनस पाई से प्लस पाई में कौन सा होगा? ये समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया है? ओके नोट कर लो। नोट करेंगे।